चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सुबह करीब 10 बजे कोब रिसोर्ट में बैठक होगी। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये अनौपचारिक मुलाकात है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश अलग अलग बयान जारी करेंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की वजह स्पष्ट नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात साल 2018 में चीन के वुहान शहर में हुई वार्ता की तरह अनौपचारिक ही रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को चेन्नई के महाबलीपुरम में दोनों नेताओं के बीच करीब 5 घंटे मुलाकात हुई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्मारकों का भी भ्रमण किया था। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है पीएम मोदी के साथ में उनकी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को रात्रि भोज के दौरान 2.5 घंटे बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय विकास साझेदारी की नई ऊर्जा देने और विवादास्पद मामलों पर मतभेदों में संपूर्ण संबंधों के अलग रखने का संकल्प लिया। समुद्र किनारे स्थित एक रंग बिरंगे तंबू के नीचे भव्य शोर मंदिर परिसर में बैठक तय समय से काफी लंबी चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए जटिल मामलों समेत कई विषयों पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अनौपचारिक शिखर वार्ता के पहले दिन मोदी और शी जिनपिंग की बैठक को काफी उपयोगी बताया। रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि लंबे रात्रि भोज पर सुखद वार्ता के साथ अत्यंत सार्थक दिन का समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति कला क्षेत्र की अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद रात्रि भोज में भारत चीन साझेदारी को गहरा करने पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना जारी रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को रात्रि भोज के दौरान 2.5 घंटे की मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय विकास की साझेदारी को नई ऊर्जा देने और विवादास्पद मामलों पर मतभेदों से संपूर्ण संबंधों को अलग रखने का संकल्प भी लिया है। और इस दौरान दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद लिया और साथ ही साथ कई जटिल मामलों पर अपने अपने विचार रखे।